जब हा जब रोशनी ज्ञान की रोशनी में रत नहीं है तो हार होती है, जब ज्ञान की रोशनी में लगा हुआ है तो जीत होती है। When he is engaged in the light of knowledge, then he will be one. When he is not engaged in the light of knowledge, then there will be loss. When you did he is not engaged in the light of knowledge, is he in the beginning? मतलब पहले वो ज्ञान के दुनिया में नहीं लगे रहे, मतलब पहले बिगिनिंग में पोशाक की शुरुआत है, पोशाक की शुरुआत के पहले अज्ञानी है। Even in the beginning, before beginning the effort, he will be knowledgeless. He will be knowledgeless. No, no knowledge. Yeah, he will be knowledgeless. There will be no knowledge at that time before beginning the effort. So when there's no knowledge, so at that time there will be difficult. So when there's no knowledge, it's difficult for the soul of Bharat. Yes. मतलब जब ज्ञान नहीं रहते तभी हाथ होता है ना। Then I'm asking a lot of questions. I want to know after she passed away, has she entered Dada like crush and interfere in the Sakat movies? जो पैंसठ में मम्मा शरीर छोड़ते हैं ना मुंबई सीट में, वो भी साकार मूवी में इंटरफेयर करते हैं क्या ब्रह्मा वाला? She has never spoken any movie from 1965 to 1969. मतलब वो कभी मुरली नहीं सुनाई क्या 1960 के? मतलब ब्रह्मा वो शरीर छोड़ने के बाद वो मम्मा की आत्मा दादा लेकर ब्रह्मा के थ्रू मुरली सुनाई है क्या या इंटरफेयर किया है? ब्रह्मा सोल इज मोर पावरफुल देन सर पॉक्टू बाशी इज नॉट फिल्टी, लेकिन वो बहुत प्योर थे, प्योरिटी ज्यादा था ना उनमें मम्मा में। प्योरिटी ज्यादा है लेकिन प्योरिटी तो सीता वाली सोल में भी ज्यादा है। इवन द सोल ऑफ सीता इज द मोर प्योर, शी हैज मोर प्योरिटी। प्योरिटी देन मम्मा प्योरिटी ज्यादा हो, प्योरिटी ज्यादा होना कोई बड़ी बात नहीं है, प्योरिटी को बाबा शिव बाप प्रेफरेंस नहीं देता। It is not a big to have your more purity. Shiv Baba doesn't prefer, does not give preference more to purity. Shiv Baba ये नहीं देखता है ये pure है ये impure है. Shiv Baba doesn't see that you are pure and the another one is not pure. Shiv Baba तो काम ही है impure को pure बनाना. The work of Shiv Baba is that to be make the impure to pure. इसलिए वो तो impure को ही चलता है. So he just chooses the impure one. Sanyasi only chooses. He doesn't choose the sanyasi. All the Brahma Kumaris are sanyasi. All the Brahma Kumaris are sanyasi. That is more. So Shiv Baba doesn't focus on purity and impurity. क्यों माताओं को गुरु बनाते हैं फिर? इसीलिए माताओं को गुरु बनाते हैं कि माताएं जो है वो प्योरिटी में ऑलरेडी पावरफुल है। He makes the mothers guru because they are already guru in the purity. So he speaks to the purity. मतलब फिर भी वो पवित्रता को चूज करते हैं ना आगे बढ़ते हैं। बाबा बाबा फिर क्या चूज नहीं करते, बाबा इंप्योरिटी को चूज करते हैं। मैंने वो माताओं को गुरु बनाते हैं बोलते हैं ना, तो कौन से विजय माताओं को बोल बोल
therefore he sticks to the, I mean, then what he must do is just delegation. मतलब माताओं को गुरु बनाते हैं, मतलब बाबा बोल रहे हैं माताओं को गुरु बनाते हैं. देवताओं की जो मुख्य क्वालिटी है वो प्योरिटी है. द मेन क्वालिटी ऑफ द डेटी इज द प्योरिटी. और देवता बना ना, एंड ही वांट्स टू मेक द डेटी. इसलिए किससे रहता है मुरली, किससे द मुरली मेंशी बाबा स्पीक्स द मुरली डेट में भी. जब शिव बाबा मुरली चलाते हैं तो मैजिक रहता है, मैजिक रहता है ना. मुरली हेलो बोल रहे कि हाँ वो मानते हैं कि हम ब्राह्मण जो है वे जानते हैं, ज्ञान को समझते हैं. तो साकार मुरली में ये जादू नहीं चाहते, मतलब ये बोलते मुरली में जादू है तो साकार मुरली में वो जादू नहीं चाहते. साकार मुरली में जादू नास्तिकों को कन्वर्ट करने का नहीं है. इनका साकार मुरली देयर इज नो मैजिक ऑफ कन्वर्टिंग टू नास्तिक, कन्वर्टिंग द नास्तिक. मुरली है लेकिन अभी तक तो अभी तक भी कन्वर्ट नहीं हुआ. 76 में शुरू हो गया एडवांस नॉलेज, अभी तक भी सारी First, let the Brahmins family get converted, because in the Brahmin family itself, so many, all the different religion people are there. So first, they have to get converted. So even advanced knowledge, they say, no, maybe. So say, advanced knowledge, maybe, Jadu may not. Advanced knowledge, maybe, Jadu may not. Oh, Dr. Ravi says, Jadu may not. Dr. Ravi. Even Dr. Anil says that in my Murli there is magic. And Dr. Anil, his Murli Gavin, even he says that in my Murli there is magic. ऐसा है कि मुरली में जादू जो है वो लास्ट में प्रत्यक्ष होगा. छोटे मोटे जादू होते हैं, जादू बड़े होते हैं, वो तुरंत जादू किया यूं किया और चेंज हुआ, वो छोटे छोटे कन्वर्टर है. What the Murli is there, advanced Murli, that magic will be revealed in the last. But small other people, those they speak, they will be revealed in the beginning itself. There are few will be revealed in the beginning. Eh? Yeah. You know, you said that only the few will be revealed in the beginning. You know, थोड़े लोग पहले पहले शुरू में प्रत्यक्ष करना उनका कहना है कि अभी आपने बताया ना कि कोई और भी मुरली सुनाते हैं, बोलते हैं कि मुरली नहीं चाहते, मुरली नहीं चाहते. तो छोटे छोटे लोग पहले प्रत्यक्ष होते हैं, थोड़ा ब्रह्म कुमारों का संगठन बनाते हैं, छोटा संगठन बनता है उनका. वो छोटे से जुगनू होता है, जुगनू थोड़ा प्रकाश करेगा, सितारा थोड़ा ज्यादा प्रकाश करेगा, चंद्रमा होगा और ज्यादा प्रकाश करेगा, सूर्य बहुत ही प्रभाव प्रकाश कर देगा. जस्ट इट्स लाइट ना, बाबा इज सेइंग जस्ट अ स्मॉल फ्लैश लाइट इज देयर, इट गिव्स जस्ट लिटिल लाइट एंड देन द स्टार इट गिव्स मोर लाइट देन द लाइट एंड देन द सन इट विल गिव मोर लाइट देन आफ्टर द स्टार मून विल गिव मोर लाइट. And after the moon, the sun, it gives the light to the whole world. Huh? Just like that, small, small other people pray to the person, just little light to it. And small, small gatherings will be there. But the sun, it gives the light to the whole world. सारी दुनिया को convert किया ब्रह्मा कुमारी. सारी दुनिया के हर धर्म के लोगों को ब्रह्मा कुमारियों ने convert कर दिया. लेकिन ब्रह्मा कुमारियों को किसी धर्म वाले ने कन्वर्ट नहीं कर पाया.
the Ramakumaris has converted the whole world, the religions of different religions of the whole world, but nobody has could not convert to Ramakumaris. हाँ, लेकिन ब्रह्माकुमारों को convert किया advanced party ने. But the Brahmakumaris and Brahmakumaris are converted by the advanced people. हाँ, लेकिन जो advanced party है उसमें भी कहीं जुगनू निकलते हैं, कहीं स्टार्स निकलते हैं, चंद्रमा उपग्रह निकलते हैं, वो भी कन्वर्शन कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा इवन इन द एडवांस नॉलेज आल्सो स्मॉल स्मॉल फ्लाइट जस्ट लाइक फ्लाइट दे हैव रिवील्ड देमसेल्फ एंड दे हैव गैदर्ड स्मॉल स्मॉल गैदरिंग्स एंड दे हैव रिवील्ड एंड दे गिव द लाइट टू स्मॉल स्मॉल गैदरिंग्स. जैसे सात सागर कहे जाते हैं, सागर ये छोटे बड़े सागर हैं, जस्ट लाइक सेवन ओशन सागर नो, सेवन ओशन पूरा सागर तो एक ही है, बट वन ओशन इज ओनली वन, लेकिन वो अलग अलग बांटा है. सात सागर है लेकिन सागर तो एक ही है. सात सागर है ऐसे ही एडवांस पार्टी में अलग अलग ग्रुप्स बन गए हैं. जस्ट लाइक सेवन ओशन आर देयर नो, सो जस्ट इन द सेम वे इन द एडवांस पार्टी आल्सो डिफरेंट ग्रुप्स आर देयर. लेकिन लास्ट में तो सारा सागर एक ही हो जाता. बट इन द लास्ट ऑल द ओशन बिकम वन आफ्टर द फोर्थ ग्रैंड विस्फोट, आफ्टर द डिस्ट्रक्शन, आफ्टर द डिस्ट्रक्शन इसलिए मुझे बोला ज्यादा तंग करेंगे तो If you travel, it is said in the movie, if you travel more, then I will destroy it. Then if you say this movie is 2004. 19 January 2004, on this movie quote, you say that there is only one picture of knowledge. January 2004 के मॉडल में बताया गया है कि एक एक ज्ञान का एक एक पिक्चर नमन जो लिखा होता है किताब. There is just one picture of knowledge which the unlimited father, the supreme soul, the Mukti Shiva speaks at the most auspicious quantum age. एक ही scripture है, एक ही अपने ग्रंथ बोलता है ना, एक ही ग्रंथ है जिसमें सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल बेहद का अर्थ बोलता है. तो सुप्रीम फादर शिवा स्पीक्स द ब्लू गीता. Supreme Father Shiva speaks the true Gita. He is the only one who speaks the true Gita. Shri Baba speaks the Gita. Shri Baba Gita ke dwara bolta hai na. So now advanced knowledge is not called through Gita. Advanced knowledge Gita ke dwara nahi diya gaya. Gita ke dwara nahi, Gita gyana mrat hai advanced knowledge. Gita gyana mrat. Lecture of the knowledge of the Gita. मैंने चिंतन किया हुआ अमृत दैट इज सच आफ्टर गेटिंग आफ्टर चर्निंग वन द नॉलेज वी गेट इन समरी दैट इज द एडवांस चर्निंग इज एडवांस आफ्टर चर्निंग वॉट द समरी वी गेट एसेंस वी गेट सो दैट इज चर्निंग राम चर्निंग मैंने मनन चिंतन राम मनन चिंतन मंथन के द्वारा जो सार निकला वो है एसेंस. Essence of the whole knowledge is called advanced. After getting, after chanting, we can not change. इसलिए मुझे वो बोला है कि अभी गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे. So when the soul of Brahma Dada is first interested in advanced knowledge is called just Gita, is it? Yes, Brahma. When the soul of Brahma Dada is first interested in advanced knowledge. Then that knowledge is called false Gita. जब ब्रह्म बाबा इंटरफियर करते हैं एडवांस नॉलेज में वो झूठे नॉलेज होते हैं, झूठी गीता होती है.
अगर ब्रह्मा बाबा इंटरफेयर करते हैं तब वो जीता झूठा जीता बोलते हैं। When you see the picture of Lakshmi Narayan, the picture of Lakshmi Narayan, below is Radhe Krishna. When you see the picture of Lakshmi Narayan, nature Radhe Krishna, Radhe Krishna. So this Radhe Krishna below, the source of Radhe and Krishna, are the same source up above Lakshmi, Lakshmi Narayan. Lakshmi Narayan, nature of Radhe Krishna ke atma hai, wo upar jo Lakshmi Narayan ke atma hai, wahi hai kya? महाराज कुमार श्री कृष्ण लिखा है उसमें, कुमार लिखा है, लिखा है महाराज कुमार महाराज कुमार श्री कृष्ण महाराज कुमारी श्री कृष्ण कुमार एंड कुमारी माने प्रिंस एंड प्रिंसेस कुमार एंड कुमारी मीन प्रिंस एंड प्रिंसेस इसे लिखा है महाराज कुमार एंड महाराज कुमारी महाराज ऊपर खड़े हैं महारानी ऊपर खड़ी है उनके कुमार प्रिंस कृष्ण और उनकी कुमारी काली लक्ष्मी नारायण इज स्टैंडिंग एबो नो दे आर द किंग एंड दे प्रिंसेस एंड दे डॉट दे आर द चिल्ड्रन प्रिंस एंड प्रिंसेस आर कृष्णा एंड राधे सो दे बिलो आर द चिल्ड्रन बिकॉज वन मुरली लिख रहे लिखा हुआ है भगवान सिंह ना भगवान चित्र में ही लिखा हुआ है इट इज रिटन इन द पिक्चर ओनली महाराज कुमार महाराज कुमार दैट इज प्रिंस प्रिंसेस दैट इज डाउन इट इज द प्रिंस प्रिंसेस डाउन इज देयर चिल्ड्रन येलो बट देन हियर दिस मूवी को देन यू सी या दिस मूवी को 21st January 2003 नो दैट थिंग नो नो सारे छोड़ दो बात You just tell what the matter is. Okay, and then Baba is seeking this Brahma and Saraswati such action that they become Lakshmi and Narayan. Baba says, Baba is seeking this Brahma and Saraswati. Brahma and Saraswati ko sikha rahe hain such action that they become Lakshmi and Narayan. ऐसे सिखाते हैं उनको ऐसे कर्म सिखाते हैं कि वो लक्ष्मी नारायण बनते हैं ना इन देयर चाइल्डहुड लक्ष्मी एंड नारायण राधे एंड कृष्णा माना बचपन में वो लक्ष्मी नारायण ही राधे कृष्ण बोलते हैं बचपन में ही लक्ष्मी नारायण को राधे कृष्ण बोलते हैं एंड दिस इज वाई द पिक्चर ऑफ राधे एंड कृष्णा इज ऑल्सो शोर लक्ष्मी एंड नारायण Because the picture below Radhe Krishna is shown together with Lakshmi and Narayan. Radhe and Krishna, when they become this Radhe and Krishna, during their childhood they are Radhe and Krishna. When this same Radhe and Krishna becomes perfect, they become Lakshmi and Narayan. इनका कहना है कि नीचे जो राधे कृष्ण बोलते हैं बचपन में उनको राधे कृष्ण बोलते हैं जब वो कमी संपूर्ण बनते हैं तब वही लक्ष्मी नारायण बनते हैं आठ लक्ष्मी नारायण जितने होंगे वो सारे लक्ष्मी नारायण कहे जाएंगे सत्य में जितने भी आठ लक्ष्मी नारायण होंगे वो सारे लक्ष्मी नारायण कहे जाएंगे पहले बचपन में राधा कृष्ण बाद में लक्ष्मी नारायण आए थे ये ऑनली एट नारायण सेम लक्ष्मी नारायण देर ऑल कॉल्ड एज लक्ष्मी नारायण एंड आफ्टर चाइल्डहुड विल बी कॉल्ड एज राधा कृष्ण इनका कहना है कि चित्र में ऐसे दिखाया है ना लक्ष्मी नारायण चित्र दिखा रही है चित्र में लिखा क्या है तो देखो बट व्हाट इट इज रिटन इन द पिक्चर दैट यू हैव टू सी इट इज रिटन एज महाराज कुमार इट इज प्रिंस बाबा इज नॉट सीकिंग राधे लक्ष्मी एंड नारायण बाबा इज सीकिंग वन सेट ऑफ लक्ष्मी एंड नारायण टू बिकम परफेक्ट बाबा एक ही सेट लक्ष्मी नारायण को सिखा रहे हैं लक्ष्मी पर संपूर्ण बनने के बाकी लक्ष्मी नारायण जो बनते हैं उन लोगों को तो सिखा नहीं रहे तो वो कौन बने जिन राधा कृष्ण की आप बात कर रहे हैं ब्रह्मा सरस्वती की बात कर रहे हैं वो कौन लक्ष्मी नारायण बने दे हैव व्हाट यू आर स्पीकिंग अबाउट राधे कृष्ण जो ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा सरस्वती दे हैव नॉट बिकम लक्ष्मी नारायण दे नेवर बिकम दे विल बिकम इन सर्किल Not in this birth. No, they won't become Lakshmi Narayan in this same birth.
but they become in the next person. Yeah, no, but you know, when you see the picture of Lakshmi Narayan below the source of Radhe, the same soul of Radhe Krishna, they, when they become perfect, they become Lakshmi and Narayan. Above, you know, below Lakshmi, Radhe Krishna, who very Krishna Putra, he meets the Radhe Krishna, very comfortable. You know who I just was talking before? Baba is telling what it is written that you see. Don't see this, the movie course. Huh? Movie mein to likha hai, woh nahi dekhna. Movie mein woh likha hai. In the movie also it is written the same. Because if you say now, however, one is not greater than the other. Why? But what is meant by, however, one is not greater than the other. That means the below one and the above one. One is not greater than the other. Mana niche ko movie mein murra ki ek niche jo hai upar mana dono ek hi ek ek bade nahi hai ek ke dusre bade nahi hai. बड़े नहीं मतलब नीचे और ऊपर जो है एक दूसरे से बड़े नहीं है बड़े नहीं तो महाराज कुमार क्यों लिखा हुआ है व्हाई इट इज रिटन एज महाराज कुमार इज एट द डाउन इट आर नॉट ग्रेट दैट इज द लक्ष्मी नारायण इट आर नॉट ग्रेट व्हाई ही डाउन इन द राधे कृष्ण पर राधे कृष्ण के रिटन एज महाराज कुमार इन द बिगिनिंग देयर देयर राधे कृष्ण सारी बात छोड़ दो नरसे नारायण बनते हो या नरसे प्रिंस बनते हो Will you become, you know, Baba is asking, just to think, what you will become? You will become from the man to Narayan, Narsa Narayan, or? Narsa Prasad. Or you become Narsa, that is the aim of it. What is the aim of it? Whether to become Narsa Narayan or to Prince? Narsa Narayan. So, Narsa Narayan, unki grade ho gayi. Aur Narsa Prasad, so unki grade ho gayi. Narsa Narayan, one who becomes Narsa Narayan, that he will be in the upper seat. Who is the sun of knowledge? Okay, who is the ocean of knowledge? Who is the sun of knowledge? Who is the moon of knowledge? Who are the stars of knowledge? Who are the rivers of knowledge? Who is the ocean of knowledge? Shikabha. Ocean of knowledge, Kamsa. Shivaba is the ocean of knowledge to Ram. Shivaba is the ocean of knowledge to Ram. Gansi. Who is the son of knowledge? Chandrama, Gansi. Son of knowledge. Who is the son of knowledge? Gansi. Gansi. Shiva, Ram. Ram. Moon of knowledge, Brahma Baba. Gansandra. Task of knowledge, the children. Rivers of knowledge, Nadiya and Jose, Gansi Nadiya, Kongas, Vichyantam. So, half of knowledge and rivers of knowledge, Nakshatra Jose, Gansi Nakshatra or Gansi Nadiya. Wo dono bachche hi hai kya? Wo bachche hai. Kaun bachche hai? Nadiya. Nadiya bachche hai. That is the rivers are the daughters. No, rivers are the daughters. Half of knowledge. जो नक्षत्र जो है वो बच्चे और बच्चे दोनों होते हैं बड़े बच्चे एल्डर एल्डर चिल्ड्रन मतलब ऐसे नहीं कि वो मेल फीमेल ऐसा नहीं बच्चे द स्टार्स विल बी द एल्डर चिल्ड्रन एंड द चिल्ड्रन विल बी नॉलेज यस द वन इज कॉल्ड एल्डर चिल्ड्रन बिकॉज दे हैव नो नॉलेज ज्यादा ज्ञान रहती है इसलिए उनको बड़े कहते हैं ना They are the self-luminous. That means they light themselves. That means they got no knowledge. So, ocean of knowledge is Shiva Baba. Jnana ka sagar is Shiva Baba. Baba means Sakar and Nirakar. Baba means it is the combination of sun incorporated. Okay, and this movie says the ocean of knowledge is also called the sun of knowledge. The Jan Sagar ko bhi Jan Suri kehte hain. उसकी 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 सागर है। It is to him he has become the ocean. He is the ocean. It's to the sun of knowledge he becomes. He is the ocean. He is called the ocean of knowledge. It's not because the it is because Baba is saying it is because of the sun of knowledge he became the ocean of knowledge. पूछ रहे कि बाबा ऐसे कह रहे कि ज्ञान सूर्य के वजह से वो उनको ज्ञान सागर कहते हैं क्या सूर्य तो सागर को गर्म करता है
सूर्य जो है हमेशा ऊंची स्टेज में है, सूर्य कभी अंधेरा नहीं होता, सूर्य का कभी खंड नहीं होते, कागज से तो खंड हो जाते, सूर्य कभी टुकड़े टुकड़े नहीं होते। Sun makes the ocean hot and the sun never gets split. The ocean will be split into different parts. But the ocean of knowledge is more powerful than the sun of knowledge. His Gyan Sagar, Gyan Surya se powerful nahi hai. Sagar niche hai, Surya upar hai. Surya is called always, Seva, that is called always. Soul, and because the sun is called the Shiv, and the ocean is the earth down, and the sun is at the top. But the sun is cheaper as the soul of Ram. Suri ko, Ramana Ramvali Atma ko Suri ke. Ramvali Atma Sagar. And the Suri is Ocean. The ocean is the Ramvali soul, and the sun is the Shiv. जितना बाबा से ओशन अपनाने की शिव बाबा ही गए। शिव बाबा से इसका कॉम्बिनेशन ऑफ राम बाबा मी साकार इंद्र आता है। नहीं इस ओशन बोले कि अभी भी बाबा बोले ज्ञान सागर शिव बाबा है ना, शिव बाबा को ज्ञान सागर बोले ना, फिर अभी सूर्य को शिव बोलते हैं और सागर को राम वाली आत्मा के लिए बोलते हैं। Combined or no, don't know, it is combined. For Shiva Baba, it is called the ocean of knowledge. Shiva Baba combined the combination of consciousness. But when it is sun of knowledge, it is only Shiva Baba. Gyan Surya jo hai wo just Shiva Baba. Baba means just a combination. Yeah, then sun of knowledge is who? Gyan Surya kisko kehte hain? Gyan Surya jo sadaiv unchi stage mein hai. कभी नीचे से बने वन पूरे ऑलवेज इन द एलिवेटेड स्टेट हाई नेवर कम डाउन ही नेवर कम्स डाउन ही इज कॉल्ड द ज्ञान सूर्य द इटर सन ऑफ नॉलेज सो हु आर मैन नो द फिटनेस ही टू वन हु इज प्रिफर एज द सन ऑफ नॉलेज मतलब कॉफी पर्सनालिटी को बोलते हैं ज्ञान सूर्य पर्सनालिटी जब है पर्सनालिटी माने पर्सनल बॉडी विद बॉडी इज कॉल्ड पर्सनालिटी बॉडी इज कॉल्ड पर्सनालिटी शिव बिंदु इतना पर्सनालिटी शिव द टेक्स अ पॉइंट ऑफ लाइट ही इज नॉट अ पर्सनालिटी बाबा ऑलवेज कॉन्शियस नो कंटेंट नो बट आंसर इन नो बाबा से बाबा का जो तन कारण कर देता है कंफ्यूज इट इज द कंफ्यूज यू गेट इट इज बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ द कंपनी द कलर ऑफ द कंपनी इज कंफ्यूज ना इन बाबा कंपनी वाइज हाउ कैन आई गेट कलर बाबा कंपनी Because Mama says just now you say the ocean of knowledge is Shri Baba in there, Shri Baba. Just to say Gyan Sagar mana Shri Baba hai na? Shri Baba Gyan Sagar tab hai jab pravesh hai. He is the ocean of knowledge, then Shri enters. Because it's called the ocean of knowledge. Gyan Surya, even the sun of knowledge is also called when he enters. Then Brahma. Gita में भी लिखा हुआ है, मैं जब आता हूँ तो पहले पहले सूर्य को देता हूँ. Even in the Gita, it has been written that when he comes first, he gives the knowledge to the sun. वो है knowledge. जब प्रवेश करता है तो उसे देता है, तो वो है सन. He is the knowledge. This is looking for what he is the knowledge. When he enters, he gives the knowledge to the sun. Knowledge. और जब आता है, sun of knowledge. नहीं. Sun of knowledge. वो knowledge है. सूर्य क्या है? वो knowledge है. ना जब वो आता है, तब जिसे प्रवेश करता है, उसको knowledge. उसे देता है, वो ऐसा. When he enters, he gives the knowledge to the sun. That is knowledge, what he gives up for, that is the supreme form. He is the knowledge. When he enters in the body, he gives the knowledge to the sun. That will be called as the sun of knowledge. So
the Supreme Soul, Supreme Father Shiva is also called the son of knowledge. When he enters the meeting, he is called the son of when he enters, then he is called Jansi, that is son of knowledge. And Brahmaputra river, that is the largest river, the Brahmaputra river is the largest river, and it is the main river. Brahmaputra wo lambi nadi hai na, bada nadi hai, wo main ke liye bolte hain, kya purush ke liye bolte hain. What is the question? So this, just now you say the ocean of knowledge is Shiva Baba. And because this ocean of knowledge is Shiva because of the combination of corporeal and incorporeal. So this Brahmaputra river is one finger for the soul of Ram. Brahmaputra Rama मैंने बोल रहे हैं कि ज्ञान सागर जो है वो नसाकारी निराकारी आत्मा दोनों combined है उसमें. लेकिन जो Brahmaputra है वो एक ही आत्मा भी है ना, एक ही आत्मा है. तो राम वाली आत्मा के लिए आत्मा के लिए ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं. दो है, एक है पंचता में हाईएस्ट और एक है नॉलेज में हाईएस्ट. तो जो नॉलेज में हाईएस्ट है वो है राम और प्योरिटी में जो हाईएस्ट है वो ब्रह्मपुत्र. वो ब्रह्मपुत्र ही त्रेता में जाकर के राम बनती है. बाबा बोलते हैं ब्रह्मपुत्र, भक्ति मार्ग में पुत्रा नहीं बोलते. पुत्रा भी जो आ का डंडा है वो भी फीमेल का भी कहा जाता है. So Baba is saying there are two tools. One is in the highest in the knowledge and one is the highest in the purity. Two tools. The Brahmaputra river, yes, Brahmaputra. One is highest in knowledge and one is the highest in the purity. Then why is it say the Brahmaputra river is also referred as the father? The Brahmaputra river. रिवर है तो फादर कहते हैं. रिवर है तो फीमेल है या मेल है? रिवर में इज इट मेल और फीमेल? फीमेल वन इज सेड दिस फीमेल तो है. द इट इज सेड दिस रिवर इज मेल. दिस ब्रह्मपुत्र रिवर इज मेल. ऑल रिवर्स आर फीमेल बट दिस ब्रह्मपुत्र रिवर इज मेल. सभी सब नदियाँ मेल है लेकिन ये जो ब्रह्मपुत्र है वो पुरुष है. नदियाँ तो सारी लेकिन ऐसे लिखा है कि सब नदियाँ लेकिन ये ब्रह्मपुत्र पुरुष है. जितनी भी नदियाँ हैं वो सब ऊंचे से नीचे जाती हैं. Then all the rivers they flow from the highest stage, from highest stage to the down. Down stage. So is this Brahmaputra river? प्रकृति, प्रकृति है, जड़ है, माता है, मदन है. It's wonderful because all rivers are female but this river is male. Brahmaputra ka mela lagta hai lekin ye jo nadi hai wo purush ka mela lagta hai. The mela of Brahmaputra river takes place. The Brahmaputra nadi ka mela hota hai. Ganga sagar ka mela gaya tha. India there is no place of Brahmaputra mela. It is Ganga. Ganga sagar mela. In Japan, the Saraswati river also merges into the ocean.
तरफ करके सरस्वती रिवर अल्सो मर्जेस इनटू द ओशन. हां मतलब वो भी मिल जाती है सरस्वती नदी गंगा में मिलती है. सरस्वती मतलब रिवर सरस्वती मिक्स द गंगा मिक्स गंगा रे लावर अलावा अलावा नॉट डायरेक्टली इन सागर. But yeah, it can merge never into Ganga, into the Ganges river, but it can also merge into the ocean. First, the Saraswati, it merges to the Ganga, then to the ocean. It doesn't directly mix with the ocean. But I don't know, because this movie code doesn't say that. It merges into the ocean, but there is no Mela of that. The Saraswati river also merges into the ocean, but there is no mela of that. Murli ne aisa hai ki Saraswati nadi ocean mana sagar se mil jati hai, uska koi mela nahi hai, mela nahi lagta. Aisa hai Murli ne. Brahmaputra ka koi mela nahi. Even the Brahmaputra river, there is no mela. But if we think here, the mela of the Brahmaputra river takes place. लेकिन ऐसे लिखा है कि ब्रह्मपुत्र मुरली ओनली अबाउट गंगा सागर में You are quoting the translated Murli, which are in English, and the one who has translated, he might have mixed the knowledge. Yeah. So if it was in Hindi, maybe, but you are quoting English Murli. हाँ, ऐसा जिम्मा करने वाला भी mix करते रहते हैं, अपनी अलग ही होता है। एक Murli का इसका मेरा भी उसके बीच Murli का ना इसका download है medical section. Murli is spoken by Shiv, but translated by human. Yeah, I know that. So how I'm asking all wrong questions today? Yes? Am I asking all Manmat mix today? Well, I'm asking Sara Manmat mix your questions to channel. सिर्फ मुरली से ही कनेक्शन रखेंगे, सिर्फ बाबा से ही कनेक्शन रखेंगे, तो कहाँ से मन से मिक्स हो जाएगी? अभी जो पूछ रहे हैं बोले मैं सारा मनमत मिक्स के और प्रश्न पूछ रही हूँ. मगर ट्रांसलेशन के आधार पर मनमत हो सकती है. मेरे साथ ट्रांसलेशन इतने दिमाग में तो फॉर अबाउट द नॉन हिंदी फीलिंग सो देन वे कम व्हाट अभी वे नाइस क्वेश्चन वी हैव टू लुक इनटू द मूवी आई मीन द इंग्लिश वर्जन एंड आस्क क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंग्लिश वर्जन एंड आस्क क्वेश्चन. मतलब हिंदी नहीं आती है तो क्या करें, जो इंग्लिश ट्रांसलेटेड किया है उसकी इंग्लिश वर्जन उसी को देख के हमको क्वेश्चन पूछना पड़ता है ना. ओ, ओ, लूसी माता 6 महीने में हिंदी सीख सकती है आप नहीं देख सकते. लूसी माता है लर्न हिंदी विदिन 6 months. ओ, जो भाषण करती है ट्रांसलेशन करती है लक्ष्मी माता है But it's because but she's always in the Hindi speaking company. वो हिंदी स्पीकिंग मतलब हिंदी जो बात करते हैं उन्हीं लोगों के साथ रहते हैं ना. मतलब वो हिंदी जो भाषा हिंदी बोलते हैं ना उन्हीं लोगों के साथ रहते हैं वो सीख लिया वो सारे. यू ऑल्सो जस्ट सेंड ऑल द क्वेश्चंस टू ईमेल हिंदी में. हिंदी में भाषा दूसरी भाषा में चाहिए कनेक्शन कर सकते हैं. You can keep connection with Baba through email, no? You can ask questions through email.
Yeah, and I asked, then Baba asked me to come personally, and when Baba asked me to say, when I come personally, I asked Baba the same thing. मुझे कि मैंने पूछे थे तो बाबा बोले थे कि जब पर्सनली जब आप आ जाएंगे आप जाएंगे तो ईमेल से दे जवाब देंगे उसमें प्रश्नोत्तर का प्रश्नोत्तर प्रश्न बाद में तिखार की रोटी जल्दी आती है पूरा फिर कनेक्शन तो बना रहेगा बाबा इस टाइम यू कैन अंडरस्टैंड मोर इफ यू आस्क इन टाइम When in time you ask, you can get in emails the questions, answer question, answer, do something you can't understand better. But you'll have the connection, you can keep connection to email. Mentally connection, better. Mentally you'll be connected, you can have connection to email, so there will be some mentally you'll have connection with God. I want to ask you, this is a movie quote, huh? Another brother was telling, you know, this movie quote, this brother can speak Hindi, you know. I read the movie quote, huh? Okay, see, nobody knows that Ravan who is burnt by Bharat, okay? Ravan is okay, nobody knows that Ravan who is burnt by Bharat, okay? Can you tell that to the Ravan, okay? कोई हिंदी जानने वाले भाई ने लिखा मुरली का वाक्य बताया कि कैन मतलब भारतवासी कोई भी नहीं जानते कि भारतवासी रावण को जला दिया रावण को जला दिया यस आपके यस कब से जलाते हैं कॉल मुरली है ना यू जस्ट डुप्लीकेट नोबडी नोस दैट रावण हु इज बर्न्ड बाय भारतवासी Year after year, that is neither physical nor spiritual. There is no any form of voices. Carry it again, Nobody knows that Ravan who is burnt by Bharat was his years after year they burn Bharat. They burn Ravan or this Bharat was his years after year they burn Ravan. But he is neither physical nor spiritual. There is no any form of voices. Because advanced knowledge that every voice there is a personality. मैं बोल रहे कि कोई भी नहीं जानते कि भारतवासी जो रावण को जलाते हैं ना वर्ष वर्ष जलाते हैं ये कोई भी नहीं जानते कि हाई वाइस दिस रावण ना इज नीदर फिजिकल नॉट मतलब रावण जो है वो फिजिकल है वो आत्मा है मतलब चैतन्य भी नहीं है ना फिजिकली है मतलब पर्सनैलिटी भी नहीं है लेकिन बाबा इधर बोलते हैं एडवांस में कि शहरी विकार को एक पर्सनैलिटी दिखाते हैं ना So why is it when Shri Baba says there is no form of any voices, why advanced knowledge says that every form there's a personality. Shri Baba बोलते हैं कि कोई ऐसे personality नहीं है जो विकार के लिए बोलते कोई भी personality नहीं है ऐसे ठीक है एडवांस में बोलते हैं कि एक एक विकार के लिए एक एक personality को दिखाते हैं ना बोलते हैं ना एडवांस में ऐसे क्यों बोलते हैं क्योंकि श्री बाबा मुरली में तो ऐसा नहीं बोलना एडवांस में इसलिए दिखाते हैं कि जो विकारी होते हैं उनमें ग्रेड्स होंगे या नहीं होंगे इन द एडवांस नॉलेज इट इज शोन बिकॉज The vices also there will be grades, no? Even in the vices also there will be grades. Number one होंगे या नहीं होंगे? Safety number one. Number one होते हैं ये कैसे होते हैं? Even the vices, the personality who have the vices, they will be in number one. But then in advanced knowledge when I did the bhakti, the sisters were telling that. Every voice has a personality. Every voice represents a personality. Then advance, जब advance knowledge में रहते बट्टी कर रहे थे, तब उनको बताया गया था कि जबकि हर एक की जो विकार है वो एक एक व्यक्ति को personality को represent कर रहा है एक एक personality करते चित्र है तो चित्र करने वाला भी होगा उन्होंने वो बोला है अगर चित्र है तो चित्र करने वाला भी कोई होगा In the movie, it is said that when there is a picture, then the a character also represents that picture. No? A personality that has a character also represents that picture. So, जो
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के करेक्टर्स हैं वो 100% कोई करेक्टर्स तो होंगे The five vices, that is the ego, lust, all these five vices, all the five vices will be connected with some personality, you know, all these characters will be connected with some 100%. And one personality will be having 100% that character. So why does it actually have no form, but the person will have that 100%? मतलब विकार को कोई फॉर्म नहीं मतलब उसका कोई पर्सनैलिटी नहीं कोई पर्सनैलिटी मतलब कोई विकार जिसमें प्रवेश करते हैं उसकी पर्सनैलिटी होती है द वाइसेस इन विच द कैरेक्टर द पर्सनैलिटी वी हैव टू डू एंड देन दिस मूवी पॉइंट आल्सो इट इज सेड इन द होल ड्रामा शी बाबा हैज द हीरो हीरोइन पार्ट Whole drama, whole drama, Shiv Baba has a hero heroine part. Whole drama, Shiv Baba hero heroine part. Shiv Baba will have hero heroine part. Yeah, but Shiv Baba plays the hero heroine part. In the whole drama, it is said in the whole drama, Shiv Baba plays the hero heroine part. Shiv Baba hero heroine part. The whole drama. Heroine ka part Shiv Baba ja ke. Shubhava, how does Shubhava play the role of heroine part? This also is wrong, is it? Because this also is, I got it from the Sarkar movie. Sarkar movie mein mila hai. Yeah. Na, ye pura drama mein Shubhava hero heroine part bajate hai. Hero ka part Shubhava bajata hai? Does Shubhava play the role of heroine? When he enters Brahma Baba? Jab wo Brahma Baba mein pravesh karte hai. Complete Rajya ka only 16 Shiv Baba only teaches the 108 complete Rajyoga. So this Shiv Baba sirf 108 ke liye complete Rajyoga sikhate hain. Complete nahi. Number one. Even in them also number one. So not all the 108 will get the full knowledge. Complete call only for 8. Complete is only for 8. 8 will be complete. The whole Rajyoga knowledge, only 8. Pura Rajyoga knowledge, sirf 8 hi sikhte hain. Only 8 will learn complete from Rajyoga knowledge. So the 100 never learn. They are number wise, they learn and they are number wise. Sikhte hain lekin number wise. Shouldn't all learn the complete knowledge? I mean, since we know Shiv Baba already, I mean, isn't it fair that we should learn the whole knowledge? We should have the complete knowledge. Then Shiv Baba ko jaan liya, to phir pura gyan ko kya zarurat hai jaanne ke liye? Shiv Baba ko pura jaanne ke liye to gyan ki zarurat hai.
to know Sri Baba completely, the complete knowledge is necessary. Complete knowledge means Sri. Son of knowledge. Complete knowledge means Sri Baba, that is son of knowledge. Yeah, he came to, to teach us, he came to teach his children, so why shouldn't he teach everyone whatever knowledge he has? उसने की वो आए हैं सिखाने के लिए क्यों नहीं सभी को सिखाए पूरा ज्ञान सभी को क्यों नहीं सिखाया कम जन्म लेता है कोई ज्यादा जन्म लेता है कोई छोटी बैटरी कोई बड़ी बैटरी बाबा तो सभी को एक जैसे सिखाते हैं लेकिन बैटरी छोटी है तो ऑल द नॉट बी इक्वल द सम विल बी स्मॉल बैटरी सम विल बी लिटिल बिग How does Sri Baba teach personally? Sri Baba personally sikhate hai na, knowledge intellectually. Yeah, one would be se sikhate hai ya personally sikhate hai. Sikhate hai to 500 crore ko sikhate hai. If you have taught through intellect, then you would have taught for all 5,500 crore. What is it? If you would have taught for all the, you would have taught for all 500 crore through intellect. Internet. If you would have taught through the intellect, then you would have taught for all and taught for all 500 crores. So how one by one learn from him is it? So it's number wise. So number wise learn personally from that him. That means he has brought facing through internet. So face to face. Yes. मैं प्रेरणा से ज्ञान नहीं देता हूँ. मैं प्रेरणा से ज्ञान नहीं देता हूँ. Baba says, I don't give knowledge through inspiration. So face to face, not through internet. Yeah, directly, personally. Personally. Number pehle se thodi ban jayenge. Number, they won't get the number first in the beginning. They, after getting the knowledge, they get the number. How they get the knowledge? They have to come face to face with the father and get the knowledge. How much you imbibe the knowledge? मतलब वो जितना वो ज्ञान को धारण करते हैं। उतना ही number बनेगा। How much you imbibe the knowledge? That much you get the number. So you, we just have to come personally in front of the father to learn. Personally, in fact, things in what they love him. Because he said he learned Rajabha face to face. So, directly, like that, father and child. Rajabha Sambhu Kaasi speaks man, hai, aise hota hai. Aise kam... Tanmuk Murli, first class. Mana tabhi number banta hai, kya? Yes, Tanmuk Murli, first class. By tap, or BCD, or DVD, second class. So in front, what you listen in front of Baba, Muli, Taka, that is Muli, that is the first class. By tape, what you listen, it is the second class. And what you read Muli through paper, that is the third class. I want to know, just now I was asking you, Baba said only the eight will get complete knowledge. So these eight are the ones who listen directly these eight will be the ones who listen first class mostly. तो ये आठ हमेशा मतलब ताका मुरली को सुनता है क्या हमेशा कामुक मुरली को सुनते हैं बाप बच्चों को बिगड़ नहीं दे सकते बच्चे बाप बिगड़ नहीं दे सकते The father cannot live without children and children cannot live without father. Yeah, I know it. So that is for eight. For only for the eight. Yes, that is for eight. So the eight will listen first class only. तो बोले आठ जो है वो फर्स्ट क्लास मूली को सुनते हैं तो छोड़ देते हैं घर परिवार छोड़ देते हैं नाते रिश्तेदारों को छोड़ देते हैं माँ बाप को छोड़ देते हैं
अच्छा अच्छा खाना पीना छोड़ देते हैं, कपड़े छोड़ देते हैं, मकान बढ़िया बढ़िया छोड़ देते हैं. Believe everything. Eight was Baba is referring. Believe everything. The dress, believe the house, and someday just leave the, even the other, their mother, father, house, everything. Relations completely. And the good buddhists, they don't have good buddhists. Avyatmani, until someone recognizes his true form and the true father, they cannot attain complete purity or the power of truth. जब तक बाप को पहचानते संपूर्ण पहचानते नहीं है तब तक संपूर्ण सत्य को they cannot attain complete purity or the power of संपूर्ण पवित्रता और सत्य को मनोपात नहीं कर सकते. Have the PBKs recognized the true form or not for them to upgrade themselves? सत्य जो पर्सनैलिटी है उसको पहचान लिया कि नहीं. नंबर वन पहचान रहे हैं, नंबर वन पहचान रहे हैं. पीबीके सेकंड नंबर दे हैव आइडेंटिफाइड इन नंबर फाइव. दे आर टेकिंग द नॉलेज इन नंबर वन. पहचान तो सभी रहे हैं नंबर वन, लेकिन पहचान करके अगर कोई विरोधी बन जाते हैं, कोई पार्टियां बनाने लग पड़ते हैं. पार्टियां जितनी भी बनी है विश्व पार्टियां या जितने भी संगठन बने हुए हैं एडवांस पार्टी, सारे ही एडवांस नॉलेज ले चुके हैं, भर्ती कर चुके हैं. दे आइडेंटिफाई द फादर बट आफ्टर गेटिंग द नॉलेज दे जस्ट बिकम अपोजिट टू द फादर एंड दे क्रिएट द पार्टी जस्ट लाइक विष्णु पार्टी. So many Vishnu parties have been there, created. So all these Vishnu parties, what they have done, they all have done bhakti here in that community. They have done bhakti and now they have become the creators of Vishnu parties. Now the present chariot of Chief Baba, the present chariot of Chief Baba, that is not the true form, is it, of the present chariot of Chief Baba? As person, okay, you see, until someone recognizes his true form, so that is not the present chariot, the personality of Sri Baba currently, that is not the true form, is it? अभी जो personality है Sri Baba, वो true form, मतलब सच्ची personality वो नहीं है ना? सच्ची personality नहीं है. हाँ. आप भी पहचान रहे हैं. आप भी पहचान रहे हैं, क्या पता? आइडेंटिफिकेशन अलग अलग है. दैट मींस बाबा इज सेइंग दैट वी आइडेंटिफाई बट द वे वी आइडेंटिफाई इज डिफरेंट. बिकॉज व्हेन वी से गॉड हैज कम, गॉड मस्ट लुक एट गॉड. व्हेन वी से गॉड हैज कम, बिकॉज वी से गॉड हैज कम. सो गॉड मस्ट लुक एट गॉड एंड नॉट एट ब्रह्मा बाबा. Or some other personality, right? भगवान आया है, भगवान आया है बोलते हैं. तो भगवान कैसे ब्रह्मा बाबा जैसे दिखते हैं? मतलब अलग अलग दिखता है ना ब्रह्मा बाबा. No, when we say God has come, God must look like God and not ordinary, right? भगवान आया है बोलते हैं तो भगवान जैसे दिखना चाहिए ना. भगवान जैसे दिखना चाहिए माने जैसे ब्रह्मा बाबू को ऑर्डिनरी जैसे दिखना नहीं चाहिए. भगवान ऑर्डिनरी नहीं दिखना चाहिए. लेकिन मुरली में क्या बोले? But what it has been told in the मुरली, कोई उनको उनका सत्य जो पर्सनैलिटी उस रीति पे आइडेंटिफाई करना है तो बोल रहे हैं कि ऑर्डिनरी वो उसके लिए बोल रहे हैं भगवान जैसे होना चाहिए. भगवान आया है बोलते हैं तो प्यूरिटी के उनकी प्यूरिटी के लिए सभी सिर झुकाते हैं, झुकाना चाहिए. तो इसी में इसे तो स्टिल ना गॉड हैज नॉट देयर इज हाउ मेंटली से
when we say God has come, the world must bow down to him because of purity. So till now we cannot say God has come. बोलते हैं कि भगवान आया है तो पूरा सभी को उनसे झुकाना पड़ेगा उस पवित्रता के आगे. अभी तक तो भगवान हम नहीं बोल सकते कि भगवान आया है. Then they ask him evidence, where is God? Murli is saying God has come. Murli is saying God has come. Murli, Nageswari, not I am saying. Yeah, I know Baba is not saying. Murli says, Sakat Murli says. वो बोल रहे कि उनके सिस्टर को उनके बहनों को देते हैं कि भगवान आया हुआ है करके उनको इंट्रोड्यूस करते हैं. तो कैसे बोलना है? तो यही बोलना है ना कि ये नहीं बोल रहे आवेशवाणी मुरली में. आवेशवाणी बोल रही है, मुरली बोल रही है, ब्रह्मा वाला बोल रहे हैं. इट इज यू हैव टू से देम दैट इट इज सेड इन द मुरली आवेशवाणी दैट गॉड हैज कम. जस्ट अ फ्यू मंथ अगो आई रेड इन मिशन न्यूज पेपर एंड मिशन न्यूज पेपर द ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन आर आस्किंग वेयर द एविडेंस ऑफ गॉड. यू से गॉड गॉड वेयर इज द एविडेंस. मुरली तो 1868 से पहले बोली गई है. 1868 से पहले ब्रह्मा वगैरह बोली गई है. उस समय तो बाढ़ की बात ही नहीं थी. ये तो 76 के बाद वाणी से साबित हो रहा है कि भगवान आया हुआ है, बाप के रूप में आया हुआ है. और मुरली स्वयं ही एविडेंस है. So Murli is the evidence that God has come. And after 76 only it has been directly quoted that the Father, God has come in the form of God directly.